जाता है, यदि संबोधित किया जाता है तो वहाँ लिटरेचर में इसको क्या कहा जाता है, एपोस्ट्रोफे कहा जाता है। तो यहाँ ही इज एड्रेसिंग साइलेंस एंड ऑल्सो एड्रेसिंग इनोसेंस। ओके, मिस्टेकन लॉन्ग आई साउट यू देन, मिस्टेकन लॉन्ग, मैंने बहुत लंबे समय तक गलतियां करी। आई साउट यू देन इन बिजी कंपनीज ऑफ मैन, मैंने बहुत गलतियां करी और मैं तुम्हें प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। किसको? शांति और मासूमियता, इनोसेंस मैं प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था इन द बिजी कंपनीज ऑफ मैन, आदमियों की बिजी कंपनी, मतलब मैं समाज में रहकर या फिर मेरी डेली एक्टिविटीज़ को करके मैं क्या करना चाहता था, शांति प्राप्त करना चाहता था। बट प्रोबेबली ही इज गोइंग टू deny it, your checkered plants, if here below, your checkered plants, किसको कह रहा है, peace की बात कर रहा है, your checkered plants, तुम्हारे जो sacred पवित्र plants हैं, पौधे हैं, if here below, only among the plants will grow, तुम्हारे जो plants हैं, मतलब किसके प्लांट से, शांति के प्लांट, इनोसेंस के जो प्लांट्स हैं, इफ हियर बिलो, यहाँ नीचे, किसका मतलब होता है, हियर बिलो का मतलब यहाँ कह रहा है कि शांति जो है, इनोसेंस जो है, पीस जो है, ठीक है, ये किसकी बात करता है, पीस की बात कहाँ ज़्यादा मिलती है, हेवन में ज़्यादा मिलती है, मतलब कि ये जो चीज़ें हैं ये वर्ल्डली थिंग नहीं है, ये क्या है, बियॉन्ड द वर्ल्ड चीज़ें हैं, मतलब कि ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी, हेवन में मिलती हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है हियर बिलो, इफ हियर बिलो, यदि ये जमीन पे कहीं मिलती हैं, ओनली अमोंग द प्लांट्स विल ग्रो, ये कहाँ मिलेगी, ये किन के बीच में फलेंगी फूलेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में फलेंगी फूलेंगी, पेड़ पौधों के बीच में फलेंगी, या फिर किसके बीच में फलेंगी, प्रकृति के बीच में फलेंगी। सोसाइटी इज ऑल बट रूड, द सोसाइटी इज कंप्लीटली रूड, सोसाइटी है वो हमें बंधनों में जकड़ के रखती है, सोसाइटी हमें किसी तरह की आज़ादी नहीं देती है, टू दिस डिलीशियस सॉलिट्यूड, ठीक है, सोसाइटी है वो इस, जो सोसाइटी है वो इस प्रकृति के प्रति कैसी रही है, हमेशा से रूड रही है, मतलब द डिलीशियस सॉलिट्यूड, ठीक है। तो प्रकृति है, प्रकृति के प्रति समाज है वो हमेशा से क्या रहा है, रूड रहा है। ओके, इसमें देखो एक दूसरी चीज हमें देखने को मिलती है कि दाई सिस्टर डियर, किसकी सिस्टर बनाई गई है, साइलेंस की सिस्टर, तो इनोसेंस को किसकी सिस्टर माना है, साइलेंस एंड पीस की सिस्टर मानने की मतलब माना है यहाँ। तो जहां हमें आदमी की जो क्वालिटीज होती हैं वो और किसी चीज में, निर्जीव चीजों के बीच में डाल दी जाती हैं, उसको क्या कहा जाता है, पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ द इनोसेंस इज पर्सोनिफाइड विद द सिस्टर ऑफ साइलेंस और पीस। तो इस 10वीं लाइन में क्या है, इसने यहाँ प्रयोग हुआ है किसका, पर्सोनिफिकेशन का। ओके, नेक्स्ट स्टंजा, नो white nor red was ever seen so amorous as this lovely green, no white nor red was ever seen so amorous as this lovely green। ये कह रहा है कि no white or in no red, he is differentiating between the among the colors, that white is not that much loving or lovely, and neither red is that much lovable, but the green one is really very lovely। so ye keh raha hai ki na safed na lal itna pyara hota hai jitna ki kya hota hai hara pyara hota hai। fond lovers cruel as their flame, जो दीवाने होते हैं, पागल दीवाने होते हैं प्यार में, cruel as their flames, flame का मतलब यहाँ
प्यार की इंटेंसिटी की बात कर रहा है, मतलब कि प्यार की जो ज्वाला है उसमें वो क्या होते हैं, पागल जैसे होते हैं एंड क्रूल होते हैं, जैसे कि आग क्रूल होती है। कट इन दीज ट्रीज देयर मिस्ट्रेसेस नेम, वो दीवाने क्या करते हैं इन पेड़ों की छालों में, इन पेड़ों के तनों में क्या करते हैं, अपनी महबूबा का नाम कुरेद देते हैं, ठीक है, अपनी महबूबा का नाम लिख देते हैं। लिटिल अलास, लिटिल अलास, वो थोड़ा दुख प्रकट करता है। दे नो और हीड, लिटिल दे नो और हीड, वो चीज़ों के बारे में बहुत कम जानते हैं और चीज़ों के बारे में वो बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ये कहते हैं वो दुख प्रकट कर रहा है। हाउ फार दीज ब्यूटीज हर अक्सीट, उनकी नज़र में उसकी महबूबा की ब्यूटी है वो कितनी ज़्यादा हो जाती है, वो नहीं जानते कि इन सारी चीज़ों से ज़्यादा क्या प्यारा होता है, प्रकृति प्यारी होती है। ये जो मोर्टल ब्यूटीज हैं दीज आर नॉट गोइंग टू स्टैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन कह रहा है आगे, कह रहा है फेयर ट्रीज वेयर इज वेयर एवर योर बॉक्स आई वाउंड, यहाँ फिर से वो संबोधित कर रहा है किसको, फेयर ट्रीज को, ए प्यारे पेड़ पौधों या फिर प्यारी प्रकृति, या फिर से क्या हुआ है फेयर ट्रीज में क्या लिखा, क्या होगा, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया है। वेयर एवर योर बॉक्स आई वाउंड, जब कभी भी मैं तुम्हारी वाउंड्स में तुम्हारी जो बॉक्स हैं उनको वाउंड करूँगा, नो नेम शेल बट योर ओन बी फाउंड, तो मैं कोई दूसरा नाम नहीं लिखूंगा, बस तुम्हारा ही नाम लिखूंगा, क्योंकि तुम उन पागल लोगों की तरह है, पागल लवर्स की तरह है, उनकी महबूबा का नाम लिखा जाता है, ठीक है, उसी तरह से तुम ही मेरी महबूबा हो, इसलिए जब कभी भी मैं तुम्हारे पेड़ों को नुकसान, मतलब तुम्हारी छालों में कभी कोई नाम लिखने की कोशिश करूँगा तो तुम्हारा ही नाम पाया जाएगा। आगे वाला स्टेंजा पढ़ते हैं, स्टेंजा नंबर 4। व्हेन वी हैव रन ओवर पेशेंस हीट, वी हैव रन ओवर पेशेंस हीट, जब हम थक जाते हैं या फिर एग्जॉस्ट हो जाते हैं फ्रॉम पेशेंस हीट, पेशेंस हीट का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर्स, यहाँ ना, यहाँ इसने क्या किया है, मेटाफर का प्रयोग किया है, हीट सेक्सुअल डिजायर्स के लिए क्या किया गया है, हीट का प्रयोग किया गया है।